करेंगे धनबाद के झरिया की, जहां इन दिनों चोर काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं, जो कि खुलेआम पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। घरों में चोरी तो दूर की बात, यहां चोर ट्रांसफार्मर पार्ट्स पर भी अपने हाथ साफ करने से बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला सुदामड़ी थाना के नीचे माइंस क्षेत्र का है, जहां चोरों ने ट्रांसफार्मर से 4 से 5 लाख रुपए के पार्ट्स की चोरी कर ली है, जिसके कारण सैकड़ों घरों में ब्लैकआउट हो गया है। घटना से स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त है और वो पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि बीते कई माह से चोरी के वारदात अधिक हो रहे हैं, लेकिन पुलिस चोरों को पकड़ने में असफल साबित हो रही है। चोरी करने वाला को मतलब जबकि यहाँ प्रोजेक्ट में रात भर गाड़ी चल रहा है, थाना यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर है, तो इसकी सूचना थाना तो सबको पता होगा ना, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है ट्रांसफार्मर पूरा पास ले गया है। और कब कब कितने बजे है? 2 बजे के आसपास में लेन कटा हुआ था, हम लोग सोचे कि सिंगल फेस हुआ होगा या कहीं पर प्रॉब्लम हुआ होगा, इसमें कटा। इसके बाद आपका सूचना थाना को दिया आप लोग? नहीं पता नहीं, अभी आप हो रहा है डेली 2 लेडीज 10 यहाँ लड़का लोग लोहा 2 गाड़ी भर के ले जा रहा है, थाना आ रहा है, पर दुकान में बैठा रह रहा है मानव चा दुकान में। हम बोले कि देखिए सर यहाँ सेफ हम लोग नहीं है, छोटा बाबू लोग सब देखिए लोहा चोरी आपको आग से जा रहा है, आप लोग देखिए, तो वो लोग कुछ एक्शन नहीं लिया। हम बोले थे कि चोरी होगा, हम लोग घर तरफ सेफ नहीं, वो सब लेडीज लोग आता है, हम लोग को गाली भी देके चल जाता है, 2 गाड़ी लोहा भर के लेके चल जाता है। आज क्या हुआ? आज यहाँ पर सुबह आके देख रहे ट्रांसफार्मर सब चोरी है।